आप लोगों से थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये जो मैंने आप लोगों को कुछ लास्ट कुछ समय पहले थ्योरी भेजा था, जिसमें पंचम अध्याय है, पंचम अध्याय के आखिर में प्राण आहुति बोल के जो अंतर साधना का यानी आहुति का बताया, अंतर आहुति का बात हम बताएं, आप लोग उसको ध्यान से पढ़िए। और जो मैं आजकल कह रही हूँ वही ध्यान वही बात उसमें लिखी हुई है। भगवान आशुतोष भगवान शिव वही कह रहे हैं कि इस यज्ञ में प्राण यज्ञ में आहुति देने से सर्व कष्ट से मनुष्य मुक्त पा जाता है। उसमें भी सुंदर तरीका दे रखे हैं, जैसे हम चार में लेते हैं तो कौन मंत्र जाप करना चाहिए, कुंभक करते हैं तो कौन मंत्र जाप करना चाहिए, या आहुति देते हैं तो ओंकार से आहुति दिया जाता है। ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद उसका थोड़ा सा सुबह के टाइम कर सकते हो तो अच्छी बात है, तो प्राणायाम भी हो जाएंगे आपका और साथ साथ आपका यज्ञ भी हो जाएंगे। जो मैंने कहा था इसमें आपको फूल नहीं, फल नहीं, कोई धन संपत्ति कोई सामान खरीद के लाना नहीं पड़ता है, सब भीतरी होता है, सब कुछ अंदर होता है। वही बात उन्होंने वहाँ पर भी भगवान ने बोला है, जो कुंडलिनी में प्रवेश करने के बाद कुंडलिनी का आज्ञा है, उसका जो आधार चक्र है यानी मूलाधार चक्र में ध्यान लगा के वहाँ आपको जा वहीं पर बैठ के आपको जप और आहुति देने का अभ्यास करना चाहिए। आजकल हम लोग आपको मूलाधार में ही बोल रहे हैं, जब से मूलाधार चक्र कर दिया उसको, आप लोगों को बार बार मैं कह रही हूँ कि आँख बंद करती जब हम लोग मूलाधार में प्रवेश करेंगे, आपको आँख बंद करती आपको सामने पूरा छवि आ जाना चाहिए कि हाँ ऊपर कौन मातृकाएँ बैठे हैं और उसे घड़ी की तरह चलना है, हमें यहाँ तक आना है, बम शम 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 करके हम जो मातृका वर्ण बलते हुए फिर जाते हैं और आके फिर उसके नीचे से फिर हम लोग प्रवेश करते हैं और जाके कुछ देर वहाँ हम बैठते हैं, बैठ के अपने आप को स्थिर करते हैं। वहाँ हम हमेशा समझते हैं कि वहाँ जो क्रिएटर मतलब सृष्टिकर्ता पिता महा जो रुद्र रूप में वहाँ बैठा हुआ है और उनके शक्ति जो बैठे हुए हैं वो उनके साथ आप वहाँ बैठे हो और पूरे सिस्टम को देख के बैठ के फिर आपको वहीं पर आहुति करने का ये कहा जाता है कि वहीं बैठ के आप प्राणायाम करिए, वहीं बैठ के। अभी आज मैं वही कराऊंगी, आप लोग पहले वहाँ चराएंगे, बाद में आपको वहीं बैठ के जो प्राणायाम कराएंगे, जो भी प्राणायाम कराएंगे वहीं बैठ के कराएंगे, और जिसको नहीं आ रहा वो चार छः या चार सोलह आठ वहीं बैठ के करोगे। प्रवेश करने के बाद मूलाधार में बैठ के वहाँ जैसा मैंने उस दिन बताया था बीचों बीच ट्रायंगल का बीच बैठ के वहीं पर आपको प्राणायाम करना है, सांस लेते हुए करना है, कुंभक में अपने सामग्री को करके और ओंकार में उसको आहुति प्रदान करके वहीं बैठ के आपको तप का महसूस करना है। मूलाधार चक्र में आप वही हवन करके अब ऊपर की तरफ हम जाएंगे। हवन अर्थात हम जो प्राणायाम कर रहे हैं वही हवन होता है। मन में आपको खाली चिंता करना होता है, मैं अपने सांस का अपने प्राण सांस मतलब अपने प्राण का मैं आहुति ईश्वर को दे रहा हूँ, भगवान को दे रहा हूँ या माई को दे रहा हूँ, गुरु को दे रहा हूँ, जिसका भी आपको वहाँ पर मन हो रहा है उनको मैं अपने ही प्राण आहुति दे रहा हूँ। तो हम लोग कितना करते, चार छः सात ही कर रहे हैं अभी, उतना तो आप लोग कर ही सकते और करके वहाँ से हम लोग फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर जाके जाप करेंगे। जैसे हम लोग पूजा करते हैं, स्तव गाना करते हैं, सब कुछ करने के बाद बैठ के जाप करते हैं, यहाँ हवन करके फिर एक एक चक्र से ऊपर जाते हुए फिर हम लोग अपने सहस्त्र के जो उसमें ऊपर चलने के बाद वहीं बैठ के हम लोग थोड़ा जाप करेंगे। तो ये इस प्रोसेस से पहला प्राणायाम करेंगे आज यहाँ मूल चक्र में, पहला मूलाधार में जाएंगे, आँख बंद करो और मूलाधार का ध्यान करो, बैठ जाओ सब अभी आज यहीं पर और आँख बंद करके आज मूलाधार से हम लोग साधना शुरू करेंगे। अगर आपने उसको पढ़ा नहीं है तो बहुत दुख की बात है, मैंने दिए हुए भी 5-7 दिन हो गया अब तक, वो आप लोगों को कंठस्थ होना चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। मैं थोड़ा बांग्ला में बोल दूँ,
যে 5-6 দিন আগে যে মহাযোগ তোমাদের ওই দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে পঞ্চম অধ্যায় যেটা বাংলায় ট্রান্সলেট করে দিয়েছে অরূপ, আর এত কষ্ট করে ওরা হিন্দি থেকে বাংলায় করে তুরন্ত তোমাদের দেয়, সঙ্গে সঙ্গে পাঠায়, আর তোমরা ওটা পড়ো না, সেটাই দুঃখের বিষয়। ওই বই ওই থিওরিগুলো যদি না পড়ো তো জানবে কী করে, নিজের শরীরের ভিতরের অবস্থাটা বুঝবে কী করে? ওই বারে বারে তো দেওয়া হচ্ছে, এই জন্য যে নিজের শরীরটাকে বুঝতে পারলে অন্তর্জগৎটা বুঝতে পারবে, নিজের ভিতরের ভিতরের যে আন্তরিক আছে সেটাকে বুঝতে পারবে, ভিতরের যে সিস্টেমটা আছে তখন বুঝতে পারবে। সেই ওটার মধ্যে লেখা আছে মূল নিজের মূল আধার চক্রতে প্রবেশ করে সেইখানে প্রাণায়ামটা করতে হবে, আর ওইখানে বসে প্রাণ আহতি, অর্থাৎ যে আমরা পুরো প্রাণায়ামটা করা অর্থাৎ আমরা নিঃশ্বাসটা নিলাম, ধরলাম আর ফেললাম, অর্থাৎ নিজের প্রাণ আহতি দিয়ে আমরা ওইখানটাতে ওইখানে বসে প্রাণায়ামটা করা মানে যজ্ঞ করা হয়। প্রাণটা আমরা যেটা দিয়ে আহুতি করি ওটা মনে পরিস্থিতি ব্রহ্মগ্নি আছে সেখানে আমরা আহুতি করছি, সেই আহুতিটাকে বুঝতে হবে, নিজের প্রাণ দিয়ে নিজের নিঃশ্বাস দিয়ে আমরা তার আহুতি করছি, তার আগে পুজোও করছি নিঃশ্বাসটা দিয়ে আহুতি করছি। তো পুজো করার অর্থ সেদিন বলেছি আমরা হৃদয় কমল দিলাম, এইসব দিয়ে অন্তর পূজাটা করে নিয়ে আহুতি দিয়ে আমরা সাধনা করে উপরে গিয়ে জপ করব। মেন হিন্দি মে বোল দো মে উস দিন বোলা ভি থা কি পহলা হাম লোক পূজা করতে ক্যা পূজা করতে কি জেসে মা কা ধ্যান করিয়ে এক মিনিট মে আপকো সামনে মা কা জো মা কা দীক্ষা মন্ত্র মিলা মা জিসকো কৃষ্ণ কা দীক্ষা মিলা কৃষ্ণ কা জিসকো জিস মন্ত্র সে দীক্ষা কর দিয়া গয়া হ্যায় উস মন্ত্র কা দেবতা কো আপকো সামনে আ জানা চাহিয়ে ওহি ইষ্ট হোতা হ্যায় সবসে প্রথম আপনি ইষ্ট কো আপনি গুরু ইষ্ট আর গণপতি কো প্রণাম করিয়ে করনে কে বাদ ফির হাম লোক মূলাধার মে যা স্থিত উসমে মধ্যম মে বেঠ কে ওয়া প্রণায়াম করেঙ্গে ইস নিয়ম সব থোড়া সা করেঙ্গে দেখিয়েগা বহুত আচ্ছা লাগেগা সিদ্ধ হ্যায় ইয়ে তো আপ লোক আজ অবি হাম লোক সিধা ওহি যায়েঙ্গে আধার চক্র মে ওহি বেঠ কে প্রণায়াম করেঙ্গে ওহি বেঠ কে হাম লোক লাই যো করতা করতা উপর কি তরফ যায়েঙ্গে ঠিক হ্যায় তো আপ শুরু করিয়ে বেঠিয়ে আর জেসা মেনে কাহা নরম শরীর আনন্দময় শরীর না চিন্তা বালা শরীর সংসার মে তো সব কুছ হতা হি রহতা হ্যায় উসি মে হি আপনা বিজয় দুঃখ কা উপর ভি বিজয় প্রাপ্ত করনা পড়তা হ্যায় শত্রু কো উপর ভি বিজয় প্রাপ্ত করনা পড়তা হ্যায় আর মিত্র কো সদ প্রেম ভাব সে রহনা হতা হ্যায় আর জিসকো শত্রু মানতে হ্যায় উসকে প্রতি ভি ক্ষমা করকে প্রেম ভাব করনা চাহিয়ে তবে সংসার মে চলনা আসান হতা হ্যায় ঠিক হ্যায় সম্বন্ধ কর টেনশন কো লেকে আপনে সাধন জীবন কো পরিত্যাগ মত করো। সংসার মে রহোগে তো ইয়ে মহা জেসা মহাভারত কা যুদ্ধ হুয়া থা জেসা আর রাক্ষসো কা যুদ্ধ হুয়া থা নানা কিসম কা রাজা রাজাও মে যুদ্ধ হুয়া তো স্বাভাবিক হ্যায় দেবতা দানবো কা যুদ্ধ হোতা হ্যায় ভি স্বাভাবিক কিন্তু উসি মে সে হি হমে পরিত্রাণ চাহিয়ে হাম প্রার্থনা করতে না পরিত্রাণ পড়ায় নেই হো প্রতি হমে পরিত্রাণ চাহিয়ে আর আপ ভি হমে পরিত্রাণ দিয়ে সকতে ইসলিয়ে পরিত্রাণ দিজিয়ে ইন সব সংসারী দুঃখ দর্দ বেদনা সে হমে হমকো নিকালে আর হমেকো আপকা কৃপা দিজিয়ে তো ইসি ভাব সে আজ হাম লোক প্রথম মন কো সিধা করকে হাম লোক উসমে যায়েঙ্গে মূলাধার চক্র মে প্রবেশ করেঙ্গে আপ আগ বন্ধ করকে চতুষ মাতৃকা কো দেখ লো वहाँ पर चार कमल का पंख भी है और चार माताएँ वहाँ पर हैं आधार चक्र में उनका बम शम 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 ये शब्द उसमें लिखी हुई है इनको थोड़ा सा देख लीजिए मंत्रों को देख लीजिए और लम 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 सात बार लम बीज का मन मन में जप करिए और नीचे की तरफ आके मूलाधार में जो हमारा ट्रायंगुलर रक्तमुखी ट्रायंगुलर है लाल वर्ण की उनके अंदर हम लोग आस्ते आस्ते प्रवेश करते हैं और करके हम लोग कुंभ का अमृत कुंभ है उसको नीचे दो तरफ जो हम वहाँ बैठे पहुँचे हैं पहुँच के हम ऊपर की तरफ आए हैं और हमारा दो तरफ एक तरफ रुद्र है एक तरफ उनका काकिनी शक्ति अर्थात ब्रह्मा एवं उनका विद्या परमाशी माया विद्या जो है
उनका विद्या रूपी शर्मा सरस्वती काकिनी रूप में वहाँ रह रहे हैं, उनको भी प्रणाम करके हम ऊपर आते हैं। वहाँ अमृत कुंभ आए और हमारा उसमें स्वयंभू लिंग के ऊपर एक सर्प जो है सारे तीन बार लपट के बैठा हुआ है, पूछ एक तरफ है, सर एक तरफ है, और सनातन धर्म के मुताबिक वहाँ अमृत कुंभ के ऊपर उसमें सरपेन पावर जो भुजंगी है सारे तीन वो लगाए परिक्रमा करके बैठी हुई है, उनके ऊपर माता जगदम्बा बैठे हैं और एक तरफ गणपति है, इंद्र है और ब्रह्मा शक्ति है और काकिनी शक्ति है, और ब्रजनारी में भगवती बगलामुखी पकड़ी हुई है जिससे हमें ऊपर जाना है। हम वहाँ जाके पहुँचते हैं, अब पूरा आधार चक्र को आँख के ऊपर लाइए, कहाँ कौन बैठा है बैठिए, और आप उसमें एक जगह में जगह बनाइए अपना और बैठ के आप अब हम लोग प्राणायाम शुरू करेंगे। जो जैसा प्राणायाम जानते हैं, जो चार बाला जानते हैं चार बाला करो, जो मेरे साथ चलना चाहते हो मेरे साथ चलो। आप अपने मुद्रा लगाइए, ये मुद्रा है आपका, इस मुद्रा से पकड़िए और जब इसको छोड़िएंगे तो इसमें स्वर लीजिएगा, जब इनको छोड़िएगा तो यहाँ से स्वर लीजिएगा, और यहाँ जब छोड़ेंगे दबाव देंगे तो इसको ऐसा करके दबाव देके इसको खोल लीजिए, सर को यहाँ पर अब दबाइए और उसमें हम लोग कुंभक करेंगे। अच्छा शुरू करते हैं आज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ठीक है, अब दोबारा करते हैं। अगर आपको कष्ट हो रहा तो बोलिए तो मैं 50 तक कर सकता हूँ। 55 में कोई कष्ट हो रहा है कुंभक, 55 में कोई कष्ट है, या 50 करें? ठीक, शुरू करते हैं, चलिए मन लगाइए। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. फिर से दूसरा नाथ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
फिर दूसरा राग से करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. सांस ले ले थोड़ा सा और दो तीन बार करते हैं। तो आज ने शुरू किया तो दो अब अभ्यास करना चाहिए। फिर से करते हैं अब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. थोड़ा कष्ट होता है, होता है, जानते हैं, हम भी जानते हैं। सांस लीजिए, फिर करते हैं एक बार और, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. एक बार और करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ठीक है, आप अब आँख बंद करके रखिए और अपने मन से इस प्राणायाम से आप सोचिए, हम लोग आहुति सिखाते कैसे करते हैं, हम एक मंत्र, कोई भी मंत्र जो छोटा है वही मैं लेती हूँ, उस तरह से हम बोलेंगे तो आप मन में रखिए कि हम उठाएं, जैसा सामग्री हमारा हृदय से हम अपने प्राण को, जैसे हम थाली में से या कटोरी में से सामग्री उठाते, इसी तरह से हम अपने हृदय से अपने स्वर को, सांस को अपने हाथ में ले रहे हैं, जैसा थोड़ा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, गुम्बा हो गया, आप सांस को डालिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 8 में आप अपने श्वास को अंदर की तरफ जैसा फेंक रहे, सोचिए कि आपका मणिपुर में जो अग्नि है उस अग्नि के अंदर आप अपने भीतर का सारा ये जितना बड़ जाबड़ जो आपका पास है वो इसे सहा करके दे दिया और सांस छोड़ दीजिए, बाकी तो आहुति अब इसे प्राण आहुति कहते हैं। फिर से करते हैं, फिर से हम लोग करते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, बड़ा मैं चला गया, फिर से करते हैं 1, फिर से करते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, स्वाहा। और सब जितना सांस आपको ऊपर बचा, आप जैसे लग रहा है कि मणिपुर पे उसमें अग्नि है, उसमें आप स्वाहा, आपने वहां पर स्वाहा दे दिया है। तो इस तरह से जिस वक्त आपको इच्छा करेंगे, हम लोग स्वादिष्टन में लक्ष्मी विष्णु को भी दे सकते हैं, हम मणिपुर में दे सकते हैं, हम अनाहत में दे सकते हैं, हम विशुद्धा में दे सकते हैं, हम अज्ञा में दे सकते हैं, हम द्वादश में अपने गुरु को भी दे सकते हैं, लेकिन आस्ते आस्ते अब हम लोग आधार शक्त में ऐसा करके दिया, अब हम सेकंड उसके बाद एक एक करके चक्र भेद करेंगे। अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं आधार में, क्योंकि मैं आपको आधार तक का ही शिक्षा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर अपने आधार में भी अभी जैसे अब तो ट्रायंगुलर है, आप बैठे हो, ब्रह्मा बैठे हैं यहाँ पर, काकिनिया तक वहाँ सरस्वती यहाँ बैठे हैं, गणपति बैठे हैं यहाँ पर, इंद्र का अच्छे सूर वाला हाथी है, वज्रनाड़ी में बगलामुखी है, ऊपर स्वयंभू जो अमृत कुंड है उसमें भुजंगी ऐसा बैठी हुई है, उसके ऊपर जगदम्बा अमृत कलश लेके ऐसा बैठी हुई है, और आप उसी उसमें आहुति ध्यान कर रहे हैं। एक बार और करेंगे, बिल्कुल इस तरह से देंगे, ये मूलाधार हो गया। मूलाधार में वैसे ही चार में हम लेंगे, 16 में कुंभक करेंगे और 8 में अंत में सब कुछ देंगे, सांस को छोड़ते हुए स्वाहा। ऐसा मन मन में कहिएगा, मुंह से बोलने का जरूरत नहीं है, मन से कह रहे हैं कि मैं अपने सब प्राण शक्ति में, प्राण के साथ जितना मेरे पास बैडनेस, जितना खराब चीज़ है मेरा, जो अभ्यास खराब है, जो संस्कार खराब है, जो मैंने गलत, सबको मैं आपका चरण में स्वाहा। हे माँ काकिनी यानी ब्रह्मविदिनी विद्यादायिनी और सृष्टिकर्ता पिता माँ का आगे, गणपति का आगे, आपने उस सबको उसमें स्वाहा कर रहे हैं, तो उसमें आप अपनी इच्छा से आहुति देंगे। कोई 28 बार देता, कोई 51 बार देता, कोई 52 बार देता, कोई 108 बार देता, वो उसको प्राणायाम के ऊपर कितना प्राणायाम आप कर सकते हो उसी तरह से स्वाहा होता है। तो एक बार आज हम फिर देते हैं अपने मूलाधार चक्र में, जिसे हमने बताया, हम देख पा रहे हैं कि हमारा चार चक्र पंखड़ी वाला मूलाधार, उसमें चार माताएं बैठे हैं और उसके अंदर बीचों बीच एक ट्रायंगुलर है
और ट्रायंगल का भीतर में स्वयंभू लिंग है, उसमें बैठी हुई है भुजंगी, उसके ऊपर माता जगदम्बा अमृत कुंड लिए बैठे हैं और वज्रनारी में वग्रामुखी माता बैठी हुई है खींच के, और हम लोग उसके द्वार में उनके चरण में बैठे हैं और उनके ब्रह्मा अग्नि में हम अपना प्राणाहुति दे रहे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 स्वाहा मन में बोल के उसमें अंदर आपने अपना सब अशुभ कुछ और कष्ट वष्ट सब आपने आहुति दे दिया। ऐसा जितना बार दे सकते हैं उत्तम। अब हम यहाँ बैठे हैं, अब हम अभी भी हम लोग इंसान हैं और अपने आँख बंद करके अपने भीतरी आँख से अपने मन की आँख से सब कुछ कर देखता हुआ मूलधार को ये आहुति दे रहे थे। अब हम मूलाधार से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम अपने इसलिए ये जो पार्थिव शरीर है जो जन्म मरण लेने वाला नामदारी शरीर है इससे हम कैसे निकले। सबसे प्रथम हमारे शरीर में जो सुंदर बाग बगीचा वाला एक मिट्टी का वो है दीप है, इसमें जिसमें हम बैठे हैं ये पानी में घुल के चले जा रहा है। सोचना है सागर के पानी आके मार मार के हमारा अंदर का माटी जो है जो हमारे शरीर के अंदर मांस वगैरह ये सब कुछ स्थूल काया का स्ट्रक्चर है ये घुल के सागर में चला गया। अब हम लोग आस्ते आस्ते पानी में जा रहे हैं, हमारे जो चिंता धारा हमारा चैतन्य हम पानी में तैर रहे हैं, पानी में हैं, पानी में अग्नि का प्रवेश होता है। अग्नि प्रवेश होने से आस्ते आस्ते जल सूखने लगता है और जल सूख रहा है। जो माटी पानी में चला गया वो माटी अग्नि के ताप से सूख गया, आप वो अग्नि है ही नहीं, अग्नि चला गया फिर उसमें अग्नि चला जाता है, आस्ते आस्ते वायु आता है और वायु उसको आस्ते आस्ते उड़ा के ले जाता है। जहाँ अग्नि होगा तहाँ पर वायु जरूर होगा, अग्नि को वायु उड़ा के ले जा रहा है और अग्नि उसको आकाश की तरफ ले जा रहा है। वायु का वर्ण क्या है, ग्रे कलर का है, उसमें ऐश कलर का है, उसका रंग जो है ग्रे कलर का है और वो ध्रुव गति से छूट के वो लेके जा रहा है, अग्नि को लेके जा रहा है और हम उस अग्नि के पीछे पीछे हम जा रहे हैं। अग्नि आगे जा रहे हैं पवन के साथ और हम जा रहे हैं उनके पीछे पीछे। अब हम लोग थोड़ा ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं तो हम लोग पूरा उसको घूमते हैं। पहला आधार चक्र में क्लॉक वाइज ऊपर वाले माता के पास गया और आस्ते 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 सारा माता के पास चारों माता पास घूमता हुआ फिर हम सेंटर में आए। फिर सेंटर में जाके नीचे जाके कमल के भीतर में हम जो नारियाँ हमारा है तीनों, एक हरी है पीली है और रंग है उसमें देखिए ऑरेंज है, इन उसमें से अंदर की तरफ हम घुस गए। मूल से हम अंदर को जाते हैं और जाते हुए ऊपर आ रहे हैं। ऊपर आके आ रहे हैं तो जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं हमारे वहाँ पर ब्रह्म घाट है, यानी एक हर एक कमल का घुसने से पहले उसमें एक गांठ होता है तो अब हमारा उस गांठ को खोलना होता है। यहाँ तुमको कोई मदद नहीं करेंगे, अपने आप हम देख रहे हैं नाना रंग है, बहुत सुंदर सुंदर रंग है जो जैसे तार जैसा एक एक के मुँह से निकल के बहुत किस्म का मोटे मोटे तार जैसे कलर का वो घूम रहे हैं। आप अपने को उसके अंदर लेके जाओ और जाके अंदर घुसो और देखो कहाँ उसका गांठ है। ब्रह्म गांठ को आस्ते आस्ते खोल डालो, खोल लो आस्ते आस्ते खोल के हम उस गांठ को खोल दिया, गांठ का मुंह छूट गया, अब अंदर को घुसे हम। अंदर को जाके फिर कमल कर नीचे से जाके ऊपर हम जाते हैं, वहाँ पर इस ये जो है इस चक्र में स्वादिष्टन चक्र में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ भगवान विष्णु लक्ष्मी को लेके बैठे हुए हैं और मकर उनको बाहर है यहाँ पर और सुंदर जल है और चारों तरफ जीवन है और दोनों बैठे हैं। हम उनसे जिससे आज्ञा लेते हैं जो उसका जो योगिनी लोग होता है हर चक्र में होते हैं इनसे यही आज्ञा लेकर प्रणाम करके हम इस चक्र में प्रवेश करते हैं जहाँ लक्ष्मी और
विष्णु भगवान बैठे हैं, लेकिन दोनों जो भगवान है वो रुद्र है और जो शक्ति जो है वो शक्ति उनकी उनसे प्रणाम करके जगा लेते हैं। फिर आके बाहर आकर छः उसमें पंखड़ियाँ है, छः पंखड़ियों में से ऊपर आए, छः पंखड़ियों से क्लॉकवाइज घूमा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जाते गए, उन माताओं को मन को चिंता करते हुए ऊपर, फिर ऊपर आके रुके और उसे बाहर निकल गया। ऊपर आए तो दूसरा तीसरा गांठ वहाँ पर हमारा लिए खड़े हैं। अब उस गांठ को हमें दोबारा प्रार्थना करके खुलना पड़ेगा। उस दाग से हम लोग गांठ खोल के हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हमारे साथ सात रंग की एक अद्भुत रंग का वो इलेक्ट्रिक जैसे एलेक्स के रूप में घूम रहा है। तीन चार रंग उसमें हैं जो हमारे चारों तरफ ऐसे ऐसा करके जैसे सांप हिलाते अपने सिर, ये घूमते हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ ऊपर को जा रहा है। वो गांठ को भी अंदर जाने खुल गया गांठ। इसमें गांठ खुलने के बाद हम उसमें से बाहर निकल के बाहर आते हैं। वो अंधकार जो गांठ था खुल के छोड़ दिया, उसमें से हम सब बाहर आ रहे हैं। बाहर आके आगे को जा रहे हैं और जाके वहाँ पर हम लोग कमल का नार जो है उसमें हम घुस गए। वास्ते वास्ते सारे लोग हम उसमें घुस रहे हैं और हम लोग कहाँ पहुँचे, यहाँ पर आके दशमी स्वादिष्टन से सीधा मणिपुर में आ गया। मणिपुर में जब हम आए तो यहाँ पर भी रुद्र बैठे हैं, उनके शक्ति बैठे हैं अपने ढंग से। कोई मोह नहीं है उनका, कोई प्रेम नहीं है, किसी से हिंसा नहीं है, लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। निर्विकार समाधि में यहाँ दोनों बैठे हैं। उनके पास जाके आज्ञा मांगते हैं और वो आज्ञा देते हैं तो हम अंदर जाते हैं। उसको चक्र में देखिए घूम रहे हैं आप। इसमें जो पंखड़ियाँ है इसमें फिरोजी रंग की पंखड़ियाँ है, बड़े सुंदर है। उसमें जो प्रवेश करके हर एक पंखड़ी को हम जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। आपके पास इसमें फोटोग्राफ भी है। और जाता हुआ फिर हम अंदर को जाते हैं, फिर ऊपर ना कमल के नार से ऊपर आ जाते हैं, आके वहाँ से फिर निकलते हैं। फिर निकलते एक और ब्रह्म घाट आ गया। उस ब्रह्म घाट को भी हम अंदर घुसेंगे, उनको खोलेंगे। वो जब खुल जाते हैं तब उसके अंदर जाने के लिए वही रंग का देखिए सात आठ रंग आ रहे हैं, हेलिक्स की तरह घूम रहा है, एक साथ मिल के ऐसा ऐसा करके देखिए घूमता है घूम रहा है। मुझसे में पहुँच गया है और पहुँच के हम वहाँ इनके चरण में बैठते हैं। वहाँ जो हमारा रुद्र बैठे हैं उनके चरण में पहुँचते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से हम बाहर निकलने के लिए ऊपर की तरफ गए। वही मातृका वर्ण का प्रथम अंग वहाँ पहुँचे। मातृका वर्णों का शक्ल आपको याद आना चाहिए, आ जाएगा दो एक दिन में। उनको देखते हुए आपने घूमा, घूमते हुए परिक्रमा करते हुआ नीचे फिर अपने जगह में आके फिर हम लोग बाहर को निकल रहे हैं। बाहर को हम निकल जाएंगे। इसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं, विशुद्धा में। ऐसी विशुद्धा गले के पास है, ये जगह पे हमारा वो होता है गले के कंठ में कहता है। यहाँ हम उनके अंदर प्रवेश करने के बाद बड़ा कष्ट करके प्रवेश करना पड़ता है। यहाँ प्रवेश जरा कठिन होता है, फिर भी हम लोग जब गुरु के संग होते हैं तो यात्री को हमेशा वहाँ का जो लोग होता है वहाँ का जो परिवार होता है उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो हम लोगों को अंदर बिठाया वहाँ पर और वहीं बैठ के हम लोग दोनों को प्रणाम किया। जो वहाँ पर जो शक्ति है रुद्र को और उनको शक्ति को प्रणाम किया और वहाँ से हम लोग आस्ते आस्ते बाहर निकल के वहाँ 16 पंखड़ियों वाला ये कमल है, 16 में से घूमता 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 हम फिर उचरने के जगह में पहुँच गया। और आस्ते 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 ऊपर की तरफ ब्रह्म घाट को खोल के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर जाके हम देखे वहाँ कई लोग हैं, ब्रह्म पिता वहाँ हैं, सारा रुद्र के शक्तियाँ हैं, साथ साथ वो माताएँ हैं जो कष्ट करके हमें शिक्षा ज्ञान वगैरह देता है। वो मातृका वर्ण जो है उनके अंदर से हम बाहर निकलते हैं। घूमते 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 16 चक्र बाहर निकल के आके क्लॉक वाइज घूमते फिर अंदर आके फिर दूसरा नाली पे चढ़ते हैं। यहाँ हम लोग आज्ञा में चढ़ते हैं, फिर ब्रह्म घाट आएंगे, ब्रह्म घाट को खोलते हैं, छोटी होती है
लेकिन होते बड़ा टाइट, उनको खोल के हम अंदर जाते हैं उतना में बहुत कुछ सामने आता है, बहुत किस्म का बाधा विघ्न सब शैतान दुष्ट और बहुत कुछ आ जाते हैं। वहीं हम लोग बैठ के नत होके अपने सर से आशुतोष भगवान वहाँ ईतर नाम के शिव बन के अर्धनारीश्वर स्वरूप उनकी है, शक्ति के साथ उनका पत्नी शक्ति के साथ एक अंग में है, वहाँ हम प्रणाम करके उनसे रास्ता तो दोनों हट के हमें दूसरा जाने के लिए रास्ता बनाते हैं, जहाँ हम परीक्षा में जाते हैं, जहाँ पर नाक का एकदम उसमें जाते हैं, जहाँ ईरा नारी और पिंगला नारी की समाप्ति हो जाते हैं, हमारा तीन दोनों नारी वहाँ छूट जाते हैं और सुषुम्ना नारी में हम प्रवेश करते हैं। सुषुम्ना नारी जो होता है वो सफ़ेद दूध धारा की तरह होता है, उसमें हम लोग सात्विक भाव से, हमारे अंदर पाप नहीं है, हिंसा नहीं है, द्वेष नहीं है, हमारा शरीर में जो भी कुछ था यहाँ तक हम विसर्जन दे दिया, जो बाकी था उनको उन तीन चक्रों में वो चले गए, जो तीन चक्रों के बारे में अभी तक आप लोगों को हमने शिक्षा दिया नहीं, जो जो शिक्षा में सब कुछ हमारे अंदर गुडनेस बैडनेस सब चला गया, अच्छा भी उसमें चला गया और हमारे अंदर कोई बुराई भी वो भी चला गया, हमारे अंदर जो भी भाव है सब अपने अपने स्थान को चले गए, अब हम लोग एकदम सात्विक भाग में है, एकदम जीरो, एकदम छोटा सा प्राणी संसार में, जैसा ईश्वर की तरह हम, जैसा ईश्वर है हमारा भगवान जैसे है वैसे हमारा शरीर स्वरूप हो जाता है, क्योंकि हम अलग नहीं उनसे, पिता से पुत्र अलग नहीं होता है, ऐसे ही हम अपने ईश्वर से अलग कुछ नहीं, उनका जैसे ही है। संसार का पापमय जीवन में इंद्रिय नाम अधिष्ठात्री भूता नाम अखिलेश, इंद्रिय में उसमें पढ़ के इस भूत के संसार में नाना कर्मों में बाधा विघ्न करके वहाँ आए आए करते हैं और ऊंचा नीचा काम करके अपने को पापी कर लेते हैं, हिंसावादी कर लेते हैं, द्वेषवादी बना लेते हैं, उसी को सबको यहाँ छोड़ना है आपको, और एकदम सात्विक भाव से हम एकदम सीधा जा रहे हैं, जाके द्वादश में गुरु विराट रूप में, देखिए आज गुरु जी कितना विराट रूप में बैठे हैं, श्वेत वर्णा है, बिल्कुल लगता चांदी की मूर्ति है, लेकिन वो मूर्ति नहीं है, जीवित है और वो हिलझुल रहा है हम देख रहे हैं, और एकदम चमचमाता हुआ चांदी, एकदम चांदी की जैसा उनका शरीर से रोशनी निकाल रहे हैं, उस उनके एक पैर कमल के बाहर है, वो दक्षिण मूर्ति अवस्था में बैठे हुए हैं, आज हम उनको प्रणाम करते हैं, वो अपने हाथ दाएं पैर को हटा लेते हैं, हमको आगे जाने का रास्ता बना देते हैं, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हम अब सहस्रार की तरफ जा रहे हैं, वहाँ दो उस दिखाई दे रहा है टनल की तरह दिखाई दे रहा है, और सारा मातृका वर्ण वहाँ कमल के ऊपर है, सारा मातृका हम उन लोगों के लिए सुंदर सुंदर स्तोत्र गा रहे हैं, ताकि हमारे मन उस स्तोत्र के सुर में धुलाई होके सफाई होके एकदम निरलंभोपुरी, जहाँ शांति आनंद है, जहाँ कुछ नहीं है, मैं और माँ यानी माँ के साथ हम लोग मिलने जा रहे हैं, जो जैसा अपने इष्ट है अपने इष्ट के साथ हम मिलने जा रहे हैं, हम चैनल पे जा रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा है यहाँ, कोई रंग जो सब रंग काला पड़ गया, अब हम थोड़ा सा रास्ता अंधेरे में से जाता हुआ फिर बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो वहाँ क्या येलो है, लेमन येलो है, ऑरेंज है और ग्रीन है, और एकदम मजेंटा होता हुआ एक चक्कर है, उसमें से हम लोग बाहर को आ रहे हैं, आके उस टनल के ऊपर बैठ गया, देखिए और बैठ गया और आंख बंद करके अब हम लोग जाप करेंगे, और जाप ऐसा करो आज कि आपका भी मन खुश हो जाना चाहिए, हमारा भी मन खुश हो जाना चाहिए, जाप करो ओमकार की, ओ ओ ओमकाराय नमः, ओमकाराय नमः, ओमकाराय नमः, ओमकाराय नमः, आप मुंह से मत करो, अंदर अंदर जैसे हम कुंभक की तरह सांस को रोक रोक के ओमकार की जाप करो, सांस बंद करो, जाप करो, सांस छोड़ दो, फिर सांस को बंद करो, कुंभक में जाओ, जाप करो, फिर सांस को निकाल दो, ये
इसी तरह से कुछ समय जाप करो, 5 मिनट कम से कम तो करो ही। और देखिए सामने बड़ा सुंदर एकदम एक नाना रंग की एक प्रकाश है, ओमकार प्रकाश के स्वरूप है जो आपको मथे सर के ऊपर आ रहे हैं, एक अद्भुत रंग और जिसमें ज्यादातर येलो वर्ण है वो आपका सर का ऊपर आ रहा है। और आप जाप करिए ओमकाराय नमः, 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 ओमकाराय नमः। मन में धारण करके ओम जितना खींच सकता है ओम का नमः।
यहाँ कितना शांति है, जो गोलाकार रूप में अंधकार में ये रंग का मेला था, बहुत ही शांतिमय, बहुत शांतिमय है और अच्छा लग रहा है। शरीर में ठंडक आ रहे हैं, मन में ठंडक आ रहे हैं, शीतलता आ रहे हैं। और हमारा जाप अब समाप्त हो गया, जाप को वहीं पर माई का चरण में निवेदन करती कि माँ जितना भी हुआ मेरे से, मैं काय मन वाक्य, काया मन और वाक्य द्वारा मन अंतर मन से ये जाप करके मैं आपको समर्पण कर रही हूँ। इसमें जो भी प्राप्त आपको मुझे देना है फल दीजिएगा, मैं आपको शरणागत हूँ। हे ओंकार, मुझे आशीर्वाद दीजिए और जो मैं आपको दे सकता था वो हम दे दिए, और आप जो हमको देना है आशीर्वाद स्वरूप वो आपका इच्छा है। उनसे प्रार्थना करके नतमस्तक, वहाँ से हम दूसरा टनल की तरफ जा रहे हैं। आप उसमें यू टर्न से हम अंदर जाएंगे, यानी जिस नाक से हम प्रवेश किया, जब हम लोगों ने बाएं नाक से प्रवेश किया था, क्योंकि हमारे सामने सफ़ेद वर्ण के सब रंग आए थे, तो अब हम आस्ते आस्ते दाएं नाक से नीचे को आएंगे। हम ऊपर से नीचे फिर आया और सरसार के अंदर से होता हुआ और हम लोग द्वादश में आए। द्वादश में गुरु जी को फिर से प्रणाम किया, जिन्होंने हमें आज चंद्र वर्ण की चंद्र का वर्ण से स्वरूप दिखाई दिया, और हमें वाम स्वर से ऊपर गए थे तो हम दक्षिण स्वर में सूर्य का स्वरूप बन के प्रकाश लेके मन में अंधकार छोड़ के प्रेम दया और क्षमा लेके और अंदर सब कुछ खुश आनंद लेके हम गुरु के चरण को प्रणाम करते हुए हम चंद्र नारी के तरह उसमें आए, आज्ञा चक्र में आए, उनको वहाँ पर शिव जी को प्रणाम किया, धनारेश्वर को प्रणाम किया, रुद्र को वहाँ रुद्र इतर नाम से है इतर आए नमो जाप किया। करने के बाद हम लोग नीचे प्रेक्षा गृह में आए, जहाँ गृह ऐश का लड़की और वायु जो है वहाँ पर खड़े हैं, उसके साथ हम बैठे और आस्ते आस्ते हम सूर्य नारी यानी पिंगल वर्ण की नारी से हम अंदर से घुस प्रवेश करके आस्ते आस्ते हम अपने पहला हम नीचे को आए, और नीचे आते हुए देखिए आप बहुत अच्छा लग रहा है आज, अनाहत की तरफ जा रहे हैं। आस्ते आस्ते देखिए दो चरण भी नजर आ रहे हैं, आज उतर रहे हैं तो बड़ा सुंदर छोटे छोटे लाल लाल चरण जैसा हमारा संग चल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। हम वहाँ से नीचे की तरफ आए आए अनाहत में पहुँचे, कंठ से कंठ में पहला प्रणाम किया हम लोगों ने, वहाँ पे भगवान को प्रणाम करते हैं और वहाँ से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। नीचे स्वादिष्ठन में आए और अनाहत में आए और ये अनाहत में प्रणाम करते हैं, अनाहत में वहाँ पर रुद्र को प्रणाम किया, एक लिंग स्वरूप है उनका, उनको प्रणाम करके हाँ मणिपुर की तरफ आए। और मणिपुर के आने के बाद वहाँ नीले वर्ण के जो है कमल को अंदर प्रवेश करें हम, और करते हुए वहाँ से आस्ते आस्ते हम नीचे के चक्र में आए, स्वादिष्टन में पहुँचे हम। वहाँ हम लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करते हैं और फिर आस्ते 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 हम नीचे की तरफ घाट खोल के नीचे की तरफ आ रहे हैं, और हम आ गया मूल चक्र में आ गया। वहाँ सृष्टिकर्ता रुद्र एवं काकी नामक शक्ति को प्रणाम करते हैं, जगदम्बा को प्रणाम करते हैं, गणपति को प्रणाम करते हैं, इंद्र भगवान को प्रणाम करते हैं, भुजंगी को प्रणाम करते हैं, अमृत कुंड का नीचे आके उनको प्रणाम करते हुए आस्ते आस्ते मूल सिंगारक की तरफ आके हम जैसे बाहर की तरफ आ रहे हैं, अपने शरीर के समस्त ज्ञान लेके सब कुछ लेके हम नीचे को आ रहे हैं। आते हुए हम पहला हम किस में आकाश से जैसे नीचे आया, आकाश आ गया वायु में, वायु से हम लोग आ गया अग्नि की तरफ, अग्निमय शरीर से पास करता हुआ हम लोग अग्नि से अपने शरीर में अग्नि को प्रवेश करा लिया, पहले आकाश को प्रवेश कराया, फिर वायु को प्रवेश कराया, फिर हमने अग्नि को प्रवेश कराया, फिर हमने जल को प्रवेश कराया, फिर हमने माटी से रूप टीले को
हमने अब जो दीप है उसको अपने उसके अंदर हमारा शरीर के अंदर शरीर उसी तरह से एक के अंदर एक चला गया। अब हम लोग अपने पार्थिव शरीर में आ गया, वहाँ खड़े हैं जहाँ से हम अंदर गए थे। हम उस टीले पे खड़ा है जहाँ सुंदर है, जहाँ आनंद है, जहाँ नृत्य है, जहाँ गाना है, सुर बज रहे हैं, पक्षियाँ उड़ रही हैं, वो गा रहे हैं चू चू करके, पत्ताएँ उड़ रहा है, फूल का गंध से भरा हुआ है। हम लोग एक ऐसा सुंदर स्थान पे अपने शरीर में ही बैठे हैं। हमारे शरीर में हमारा कृत्य अकृत्य का सब किस्म का खुशबू है। हमारे अंदर का सारा चैतन्य जगी हुई है इस वक्त, क्योंकि हमने चैतन्य को जगाने का कोशिश किया। एक एक चैतन्य जैसा फुरफुरा रहे हैं, नारियों में जैसे नदी नाच नाच के जा रहा है, उत्पात नहीं है, नदी सुंदर ढंग से जा रहे हैं। शीशे के माफे जल है इस नदियों में, नारियों में सारा ये सब हमारे अंदर है, हमें सब दिख रहा है, क्योंकि हम लोग अब तक उन्हीं गुरुओं के साथ थे। और ऐसे ही अभी हम लोग जब बाहर आए हमारे शरीर के अंदर, उन सबको अभी भी अनुभव कर रहे हैं। ये सब हमारे अंदर है, तो सद्गुण हमारे अंदर है ज़्यादा और अवगुण कम है। इसी तरह से प्रत्येक दिन अपने अंदर का अवगुण को फेंकना होता है, निकलना होता है, सद्गुण को अंदर बैठाना पड़ता है, उनके साथ समय बिताना पड़ता है, उनकी सोच में अपने सोच को डाल के नृत्य की तरह, नृत्य की तरह जैसा मन को नचा रहे हैं, अपने मन को नाच आके नाच रहे खुशी के मारे, और उनके साथ समालिंगम हो के संसार का काम, संसार का नृत्य जो हमें काम है, कर्तव्य है, उन सबको खुश मन से कर रहे हैं, विरक्ति के साथ नहीं, दुख के साथ नहीं, कष्ट के साथ नहीं, आनंद के साथ, कि हम अपने परिवार के जो भी कुछ कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। परिवार बोल के अब तुम्हारा शरीर जैसे परिवार है अपना, शरीर के अंदर सभी लोग जो हम लोग जहाँ जहाँ घूमें ये सब हमारा प्रयोजन है, अपने अपने हैं जो हमारे शरीर में निवास करते हैं। शरीर के बाहर वो जो हमारे नाते रिश्तेदार हमारा परिवार, इन सबके साथ हम निवास करते हैं, तब दो शरीर एक हो जाता है। जैसे शरीर के अंदर शरीर सूक्ष्म शरीर रहते हैं, ऐसे ही अपने बाहर जो जो अपने रिश्तेदार हैं, अपने परिवार हैं, अपने भाई भाई पुरुष बहन या पुरुष परिवार है, जिस जैसे परिवार है, तो सब हम दोनों मिलके एक हो गया। जैसे आर्धनारीश्वर है, सब कुछ मिलके हम एक है, तब हम लोग अंदर दया क्षमा प्रेम सब आएंगे। अति प्रेम करने वाले कभी भी हिंसा नहीं करते हैं, उसका मन में आनंद आता है। इसलिए आनंदमय बनो और एक दूसरे को क्षमा करके हमें आगे के जीवन के लिए, आगे पार्थिव शरीर को कर्मयोगी बनाने के लिए तैयारी करना है। कर्मयोगी बनना इतना आसान नहीं है, प्रत्येक कर्म में सद्गुण को देना होता है। अवगुण के साथ कर्म करके तो फायदा नहीं है ना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, उत्पात करना, यह अवगुण है। और क्षमा करना, दया करना, प्रेम से रहना, प्रेम करना, आपस में मिल के रहना, एक को आधा बांट के खाना, एक को शरीर मन की चिंताधारा को एक करना, ये सब हमारा अपना कर्म होता है। तो हम जब दोनों से मिला लेते हैं तो दोनों आपस में प्रेम से घंटों रह सकते हैं, बरसों रह सकते हैं, जीवन आजीवन तक रह सकता है, जन्म जन्मांतर तक रह सकते हैं। एक लड़ने वाला व्यक्ति कुछ समय ही एक दूसरे के संग रह सकता है, ज़्यादा नहीं। इसी तरह से सद्भाव को अपना बनाओ और अपने प्रेम को अपना बनाओ, अपने दया क्षमा और चैतन्य को अपना बनाओ, और अवगुण को सब निकाल के अपने मन को शांति की ओर ले जाओ। ओंकारम बिंदु संयुक्तम, जिस ओंकार से हमें सब ज्ञान मिलता है, वो बिंदु के साथ संयुक्त होके ओंकारम बिंदु संयुक्तम दये नित्यम योगिना, जो योगी होता है वो नित्य इसी ओंकार को ध्यान करते हैं। योगी का मतलब जो सद्गुणी होता है, जो सत्य को अपनाता है, जो सत्य के साथ रहते हैं, वो योगी है। मतलब सबको वियोग कर देता है, जो जिससे नुकसान होता है, जिससे खराब होता है, उन सब चीज़ को निकाल के और योग सबको वियोग करके योग में आ जाता है। खराब को छुड़ने के मतलब योग हो गया, मन जातु योग हो गया, तो इसको ले लिया है, अच्छाई को लेके अपने एक साथ होके फिर आगे जीवन के लिए चलता है। तो बिंदु सही ध्यय नित्य योगी प्रत्येक दिन प्रेम को ही ध्यान करता है, सत्य को ध्यान करता है और सत्य की तरफ चलता है। सत्य कष्ट होता हुआ भी वो अमृतमय है। एक बार अच्छा अमृत पीने के बाद आदमी को कभी गंदा चीज़ पीने को मन नहीं करेगा,
इसी तरह से दय नित्यम योगिना, योगी दय नित्य इसी अमृत को पीता हुआ अपने जीवन को आगे ले जाके सद्गुणी बन के ईश्वर के चरण में अपने को शरणागत करके उनमें समा जाते हैं। सर प्रत्येक प्राणी को जो हम स्वयं हमारा अंदर आत्मा है वो ईश्वरी तो है, उसको क्यों बिखेर रही हो, उसे क्यों नष्ट कर रही हो, उसको उसमें मिला दो। एक में सागर है, सागर में से एक कप पानी उठा लो, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, सागर का अस्तित्व है। फिर से एक कप अगर अलग हुआ तो उसका उसी में मिला के उसको मैं हो जाऊँ, आत्मा परमात्मा से मिल के सद्गुणी हो के परमात्मा मैं हो जाए, यही कामना करो। आज का मेरा तुम लोगों के लिए यही आशीर्वाद है। हाँ, समझ आया आप क्या बोला आज? आप बोलो आज का। अब दोनों हाथों को ऐसा करिए जिस हमने सिखाया साधन के बाद, इसको इस कप को अपने अंदर ले लो ऐसा करके, जय गुरु ऐसा नमस्कार करें अपने गुरु। और अब हम लोग साधना पूरा किया, ऐसे ही प्रत्येक दिन आप अपने को अंदर ले जाओ।